वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों दिस इज द जीके जीएस सेट वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम 7 जनवरी 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसके पेपर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको मैं अगेन बता दूंगी 35 डेज का प्रोग्राम है, इसमें आपको मैं 72 सेट्स कंप्लीट कराने वाला हूं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको पे आउट करना है तो आप मेरे को पे आउट कर सकते हैं 7837500493, ये मेरा पेटीएम नंबर है, आप इसके थ्रू पे आउट कर सकते हैं। जैसे ही आप पे आउट कर लेंगे पेटीएम के थ्रू तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां पे आपको वीडियो सॉल्यूशन सारे के प्रोवाइड मिल जाएंगे। देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि ग्रुप ऑफ फोर बीट्स, मतलब फोर बीट के समूह को क्या कहते हैं। देखो मैं अगेन बता दूं, देखो एक होता है निम्बल, एक होता है निम्बल, दूसरा होता है बाइट, ठीक है। देखो वन निम्बल इज इक्वल टू क्या होता है, फोर बीट। तो ऑप्शन तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्बल। बट प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है, कभी एग्जाम में पूछ दिया वन बाइट, तो वन बाइट इज इक्वल टू क्या होता है, एट बिट्स। अब बिट्स क्या होता है, समटाइम्स कभी एग्जाम में पूछा हुआ है कि बिट्स क्या होते हैं, तो जीरो और वन ये क्या होते हैं, बिट्स होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है ये जो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझ पाता, वो क्या होता है, बाइनरी डिजिट समझता है, और बाइनरी डिजिट क्या होते हैं, जीरो एंड वन, ठीक है। समटाइम्स एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है, आपको क्या क्या चीजें पूछ सकता है वो चीज मैं बताता हूँ। देखो आपसे पूछ सकता है कि 1KB क्या होता है, 1024। देखो 1KB इज इक्वल टू क्या होता है, 1024 बाइट्स, ठीक है। उसी तरह आगे आपसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, देखो MB पूछा जाता है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है GB, मेगाबाइट, गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट भी पूछा जाता है। तो देखो सारे में 1024 इस तरह से याद रख लेना, 1024। और क्या होता है, MB को क्या होते हैं, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB, 1 GB इज इक्वल टू 1000 इतना MB, 1 TB इज इक्वल टू इतना GB। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में कभी ये पूछ देता है, अगले बार आपको ये पूछ सकता है, इन सारे चीज़ों में आपको चीज़ें पूछ सकता है। उसमें कुछ और चीज़ आते हैं, पेंटाबाइट भी आते हैं, 1 PB इज इक्वल टू कितना होता है, 1024 TB। उसी तरह आपको पेंटाबाइट के बाद एग्जोबाइट आता है, एग्जोबाइट, 1 EB इज इक्वल टू 1024 PB। उसी तरह एक और चीज आती है आपको, जेटाबाइट, जेटाबाइट कितना होता है, 1024 EB। और एक लास्ट आता है आपको योटाबाइट, 1 YB इज इक्वल टू क्या होता है, 1024 JB। ये सारे चीजें आपको याद रख लेना ताकि आपको हमेशा काम आए, मतलब याद रख लेना कि ये बस ये चीजें याद रख लेना कि आगे वाले चीजें क्या होती है, 1024 का ये चीज होती है। तो यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 NB, क्योंकि 1 NB इज इक्वल टू क्या होता है, 4 BB, 4 BB का एक समूह क्या कहलाता है, 1 NB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो बैरोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाई, देखो सबसे पहले चीज बैरोग्राफ होता क्या है, बैरोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके चलते हम क्या करते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर, एप का मतलब एटमोस्फेरिक, पी फॉर प्रेशर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह से। अब मैं डायग्राम बता दूं एक तरफ से सिंपल लॉजिक से, ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो इनका डिस्कवर, इन्वेंशन किसने किया था, तो वो चीज़ है यहाँ पे आपको, साइंटिस्ट हैं वो, इनके इन्वेंशन साइंटिस्ट किसने किए थे वो चीज़ आपको, देखो लुकेस वेदी साइंटिस्ट ने, लुसिया वेदी साइंटिस्ट ने क्या किया था, बैरोग्राफ का इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है डायबिटीज इज काउजेज बाई, मधुमेह जिसको बोलते हैं डायबिटीज। देखो डायबिटीज सबसे बड़ी चीज बात आपको बता दूं कि डायबिटीज बीमारी कब होती है, आपको सबसे बड़े डायबिटीज होती है इंसुलिन की प्रॉब्लम की वजह से। इंसुलिन में जब आप हमारे जो कोई भी बॉडी को हम कोई भी चीज़ हम खाते पीते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको इंसुलिन चाहिए, ठीक है। तो ये जो जब इसकी बॉडी में हमारी इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाने से आपको डायबिटीज रोग हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे देखो दो ऑप्शन थे, एक तो क्या है इंसुलिन वर्ड दिया हुआ है, इंसुलिन वर्ड दिया हुआ, लेकिन 90% लोग ये भी नहीं समझ पाते कि एक्सेस ऑफ इंसुलिन या लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, जब आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम होने लगेगी तो आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज की आप बीमारी हो सकती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंसुलिन का कम उत्पादन, डेट इज द आपको राइट आंसर, ठीक है। तो अब दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं कि जो इंसुलिन जो बॉडी में इजेक्ट करता है वो चीज कौन करता है, पेन, देखो वो करता है पेनक्रियाज, देखो पेनक्रियाज,
इसकी वजह से इंसुलिन आपके बॉडी में क्या होता है, इंजेक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको एग्जाम में कभी ये भी पूछ सकता है कि पेनक्रियाज से आपकी बॉडी में इंसुलिन इंजेक्ट होता है, और इंसुलिन की कमी अगर होने लगी तो आपको डायबिटीज रोग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बॉडी में हम कुछ भी खाते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें जो बॉडी में इंसुलिन की मात्रा एक लिमिट होती है, अगर वो घटने लगेगी तो आपको डायबिटीज रोग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड। तो हाँ, टेक्टोना गेंड्रिस लीन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। देखो टेक्टोना गेंड्रिस लीन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, देखो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि टीक एक सौगौन एक लकड़ी का नाम होता है, ठीक है। सौगौन एक लकड़ी है जिसका साइंटिफिक नाम दिया गया था टेक्टोना गेंड्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इसका। इसी तरह मैं बहुत सारे चीज़ों का आपको साइंटिफिक नेम बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। देखो अगेन मैं बात करूँ आपसे, देखो थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपको लिस्ट ही बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर ना आए। तो देखो आपको एग्जाम में अभी तो ये था कि आपसे टिक पूछ दिया, एप्पल पूछ देता है एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या होगा, समटाइम्स पूछ देता है बनाना, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बनाना का साइंटिफिक नेम क्या होगा, ठीक है। उसी तरह समटाइम्स ये भी पूछ देता है आपको स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक नेम क्या होगा, ठीक है। समटाइम्स ये भी पूछा हुआ है आपको चीकू, चीकू भी SSC CGL में पूछा होगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा। तो देखो चीकू का साइंटिफिक नेम एचरेस एस्पाटा सपोटा, इसका नाम है एचरेस सपोटा साइंटिफिक नेम, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ एप्पल का, तो एप्पल का नाम है साइंटिफिक नेम प्रयास मेलस। बनाना की बात किया जाए, बनाना का तो देखो बनाना का मासा मूसा, एक सेकेंड, मूसा इसका क्या होता है पाराडिक्सकम, ठीक है। उसी तरह इसका अगर आप याद रखना है स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी का भी समटाइम्स पूछा जाता है फ्रेगेरिया, ये क्या है साइंटिफिक नेम है, ये भी आपको याद रखने जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सी एनोमिनिज बिलोंग्स द फाइलम। देखो अब मैं आपको थोड़ी सी लिस्ट बताता हूँ फाइलम, देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी क्या होता है ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें इसके क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, इसके क्लासिफिकेशन एग्जाम में आपको SSC CGL में भी पूछा हुआ है, इसके क्लासिफिकेशन में क्या होता है किंगडम सबसे पहले, उसके बाद होता है आपको फाइलम, ठीक है, फाइलम होता है, फाइलम के बाद आपको होता है क्लास, क्लास के बाद होता है आपको ऑर्डर, ऑर्डर के बाद होता है जेनस, जेनस के बाद होता है आपको स्पीसीज, स्पीसीज जो ये किंगडम होता है सबसे बॉडी जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, और ये जो होता है लोएस्ट पार्ट होता है। अब बात आती है कि सी एनोमिनस बिलोंग्स फ्रॉम द फाइलम, ये वाला बोल रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको आ जाती हैं कनेड्रिया, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं निडेरिया, तो ये आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या करे आपको, देखो कि विच एमोंग द फॉलोइंग प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, हमारा जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपको उसके अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन से परमाणु के केंद्र के अंदर स्थित है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है क्या, देखो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है आपको NaHCO3, बेकिंग सोडा ये होता है। अब देखो अब बेकिंग सोडा का फार्मूला को बोला जाता है क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा को हम यूज करते हैं जैसे शर्ट में स्मेल आ रही है उसको वो करने के लिए आपको यूज करते हैं, ठीक है। टूथपेस्ट में भी आप बेकिंग सोडा की तरह इसका यूजेज कहाँ कहाँ कर सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट की, तो इस तरह से हमें पता है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, देखो अब ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं, इसमें हम ना तो कोई चेंजिंग कर सकते हैं, स्टैटिक जीके हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो
क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस क्या, नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस बता रहा हूँ। जैसे देखो इसमें मैं आपको सारे डांस बताऊंगा। देखो जो नॉर्थ इंडिया का, देखो उत्तर भारत का राष्ट्रीय नृत्य क्या है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका आपको क्या होता है, कथक। ठीक है, कथक। देखो मैं सारा डांस का आपको नाम बता देता हूँ। कथक जो है नॉर्थ इंडिया का है, नॉर्थ इंडिया जिसको बोलते हैं उत्तर भारत। ठीक है, दूसरा चीज आपको बोलता हूँ कथक कली। कथक कली, कथक कली किसका है, केरला का। ठीक है, उसी तरह बता दूं मोहन नाट्यम, मोहन नाट्यम ये आपको भी, ये भी आपको क्या है, केरला का नृत्य है। ठीक है, उसी तरह भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम आपको बता दूं कहाँ पे है, तमिलनाडु का नृत्य है, तमिलनाडु का। ठीक है, नेक्स्ट और भी होते हैं, देखो और भी क्या है, उड़ीसी, उड़ीसी डांस, उड़ीसी नृत्य कहाँ पे होता है, उड़ीसा का। सेम और भी है आपको मणिपुर, मणिपुरी, मणिपुरी डांस कहाँ पे, मणिपुर में। ठीक है, एक और कुचिपुड़ी, ये भी पूछा हुआ है आपको एसएससी सीजीएल में, एक भारतनाट्यम भी पूछा हुआ है, कुचिपुड़ी भी पूछा हुआ है। कुचिपुड़ी कहाँ में है, आंध्र प्रदेश में। और एक और आपको असम का भी होता है सत्रिया, ये कहाँ का डांस होता है, नृत्य होता है असम का। तो ये चीजें आपको लिस्ट इतनी आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये पूछ दिया था, अभी आपको पूछा क्या था, उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत का क्या था, कथक। उसी तरह कल को पूछ दिया कथक कली कहाँ का होगा, केरला का। मोहन नाट्यम कहाँ का होगा, केरला का। भारतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम का। तो इस तरह से आपको सारा चीजें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट को देखो, क्वेश्चन नंबर 35। देखो 35 क्या कर रहा है क्वेश्चन, 35 ये चीज आपको देखो, 35 में कर रहा है क्वेश्चन कि इफ द डिमांड कर्व। देखो आपको सबसे बड़ी, कभी भी इक्विलिब्रियम प्राइस की बात की जाए तो डिमांड क्या होता है, सप्लाई के इक्वल हो जाता है। तो डिमांड, डिमांड कितना दिया हो, यहाँ पे देखो 10, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 -70p, ये तो डिमांड हो गया। और सप्लाई कितना था इधर, 50 पे 1 2 3 +8p। अगर मैं इसको कर देता हूँ, देखो इधर मैं इसको लेके आता हूँ, 17 8 कितना हो गया, 25p इजिक्वल टू कितना हो गया, 50,000। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो p इजिक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 50,000। देखो 50,000 डिवाइडेड बाई 25, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 2,000। 2,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि हमेशा याद रखना, जब भी इक्विलिब्रियम प्राइस की बात किया जाए, संतुलन कीमत, तो जो डिमांड होती है वो सप्लाई के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल से इस तरह से कैलकुलेट कर लिए तो कितना हो गया, 2,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है कि वैल्यू ऑफ द टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट इन द कंट्री, किसी देश के उत्पादन में किए गए संपूर्ण आयात सेवाओं के मूल्य को, मूल्य उसका कहलाता है क्या, इसको बोलते हैं आप, अगर मैं बात बोलूं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है, कि अपनी ही कंट्री में जो संपूर्ण सामान की उत्पादन करना और उसके मूल्य को कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखो, डिजोल्व ऑक्सीजन इन द रिवर क्लोज टू द पार्ट्स पर मिलियन। देखो जो नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है 5 ppm होती है। 5 ppm का मतलब कि 5 ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। अगर बात किया जाए कि अगर नदियों में इससे ज्यादा कम डिजोल्व ऑक्सीजन, डी फोर डीओ मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर इससे अगर आपकी की लेवल जो है बहुत कम होने लगेगी, तो आपको नदी में जितने भी जीव जंतु हैं सारे डेथ कर जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं मछली की, मछली के लिए डिजोल्व ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 3 ppm होना चाहिए। आप कभी सुने होंगे कि समुद्र होता है, समुद्र पे ऊपर में कभी
ऑयल जम जाने की वजह से बहुत उस समुद्र में सारी की सारी मछलियां मर जाती हैं। तो उसके पीछे रीजन ये यही है कि जब मछली को ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन कम से कम मिनिमम चाहिए आपको 3 PPM। अगर इससे क्या होगा, ऑयल जम जाएगा तो जो बाहर का ऑक्सीजन है वो मिल नहीं पाएगा उनके अंदर, तो 3 PPM से क्या होता है डाउन जैसे ही जाता है तो मछली सरवाइव नहीं कर पाएगी अपने जल के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 PPM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 38 करके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज कॉमन वाटर सिंथेसिस, मतलब कि आम जलकुंभी किस भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किसको। अब देखो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी ही पड़ेगी कि क्या बोलते हैं। देखियो मैं आपको बोलूं, एक कॉर्निया को बोला जाता है आम जलकुंभी। जैसे देखो जलकुंभी आप देखे होंगे ऐसे पानी के अंदर, आप देखे होंगे कि इस तरह से जलकुंभी लगे होते हैं, ठीक है। तो जलकुंभी, तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तो याद रखने वाली पार्ट होगी कि आपको याद रखना पड़ेगा कि एक कॉर्निया, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस के साथ जुड़ी हुई है, मतलब रुक्मिणी देवी अरुंडेल इज एसोसिएटेड विथ किसके साथ जुड़ी हुई है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये रुक्मिणी देवी अरुंडेल आपको भारतनाट्यम से जुड़ी हुई है, जो भारतनाट्यम से जुड़ी हुई है, ये भारतनाट्यम से जुड़ी हुई है। जो भारतनाट्यम अभी मैंने बताया था कहाँ का है, भारतनाट्यम आपको तमिलनाडु का नृत्य संगीत है। अब इनको एक चीज और बता दूं, ये बहुत ही जो ये रुक्मिणी देवी अरुंडेल है इन्होंने समाज सुधारने का भी काम किया, समाज सुधारने का भी बहुत काम किया है। और दूसरी चीज इनको क्या है, ये इंडिया की वो डांसर हैं, भारतनाट्यम, जो भारतनाट्यम एक राष्ट्रीय संस्कृत शास्त्रीय जिसको बोलते हैं डांस है, हिंदी में नृत्य बोलते हैं, वो कहाँ का है, तमिलनाडु का है, जो इससे पहले मैंने आपको सारा का सारा लिस्ट बता दिया था। तो रुक्मिणी देवी अंडोल किसके साथ जुड़ी हुई है, भारतनाट्यम के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है देखो, कि विच डज नॉट शेयर ए कॉमन बॉर्डर ऑफ हरियाणा। देखो हरियाणा से कौन सा बॉर्डर क्या है आपको नहीं जुड़ा हुआ है, तो देखो हरियाणा से आपका जुड़ा हुआ है यूपी का भी बॉर्डर जुड़ा हुआ है, पंजाब का भी बॉर्डर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का भी जुड़ा हुआ है बॉर्डर। सिर्फ नहीं जुड़ा हुआ है तो इसमें ऑप्शन में है था एक एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से आपको नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश से भी नहीं जुड़ा हुआ, और ये क्या है राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है। आप देखोगे तो पंजाब, पंजाब के बगल में भी राजस्थान है, ठीक है, एमपी है, यानी कि हरियाणा का बॉर्डर राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है, यूपी से भी जुड़ा हुआ है, पंजाब से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। यानी ऑप्शन इसमें देखो एक किसमें से, उत्तर प्रदेश तो हो नहीं सकता क्योंकि उससे जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश, एस मध्य प्रदेश से नहीं जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है डज नॉट शेयर द कॉमन बॉर्डर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच प्लानेट इज आल्सो रेफर्ड एज ड्रॉप प्लानेट, यानी कि बौना ग्रह, ड्रॉप प्लानेट का मतलब क्या, बौना ग्रह, बौना ग्रह किसको बोलते हैं, देखो शनि को भी नहीं बोलते, जुपिटर को भी नहीं बोलते, मरकरी को भी नहीं बोलते, बोलते किसको, प्लूटो को। प्लूटो को भी पहले क्या बोला जाता था, ग्रह बोला जाता था, लेकिन इसको 2007 के बाद से इसको एक अलग श्रेणी दिया गया, इसको क्या कर दिया जाएगा कि ग्रह की श्रेणी से हटा के इसको बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो प्लूटो क्या है, प्लूटो आपको क्या है, आपको एक तरफ से बोला जाए तो आपको बौना ग्रह है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 1। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है, कि हु वाज द को फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखो अगर मैं बात करूं तो ब्रह्म समाज के, बी फॉर बम्स एस फॉर समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक दो लोग थे, एक थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ये तो सारे लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, राजा राम मोहन राय। लेकिन एक और पर्सन थे, उनका नाम था द्वारिका नाथ टैगोर, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेना ताकि आपको बहुत ही इन फ्यूचर काम आए, ये भी उनके क्या थे, फाउंडर थे, ठीक है। तो इस तरह से कभी ये एग्जाम में आपके ऑप्शन में ये है, कभी ये भी दे सकता है, तो आप फंस जा सकते हो, तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, किस शाहजहां बिल्ड द ताजमहल किसके याद में, मुमताज महल के याद में। इसमें तो मैं कोई चेंजिंग ही नहीं कर सकता, इसमें तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि मुमताज महल के याद में शाहजहां ने ये चीज बनवाया था। नेक्स्ट देखो
क्वेश्चन करा है कि विच एक्टर ओन द बेस्ट अवार्ड इन द फर्स्ट फिल्म अवार्ड, मतलब कौन से एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। देखो अब बात किया जाए, देखो मैं अगेन बता दूं तो आपको, देखो जो फिल्म फेयर अवार्ड जो स्टार्टिंग में किया गया था इंडिया में, 1954 में स्टार्ट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड देना, और सबसे पहले मिला किसको अगर मैं बोलूं तो बेस्ट एक्टर अवार्ड जो मिला था फर्स्ट टाइम, उस टाइम किनको मिला था, दिलीप कुमार को, दिलीप कुमार को मिला था। और कौन सी मूवी के लिए मिला था उनको, दाग मूवी के लिए मिला था, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, ठीक है ये था। और दूसरा चीज एक और, मीना कुमारी भी थी, मीना कुमारी जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था उनको, ठीक है, बिरजू बावरा मूवी की वजह से। ये ओमेन थी, ये मेल में पूछ दिया है, कभी आपको ओमेन में भी पूछ देगा। तो मीना कुमारी को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड, एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, कौन सी मूवी के लिए, बिरजू बावरा मूवी, बावरा मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और ये एक और चीज, एक और गुड यहाँ पे आपको न्यूज है कि जो नेशनल अवार्ड भी स्टार्ट किया गया था वो भी इसी टाइम 1954 से ही स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज। और बात किया जाए कि 2016 में नेशनल अवार्ड किसको मिला था, तो अक्षय कुमार को मिला था, और किस मूवी के लिए मिला था, तो रुस्तम मूवी के लिए मिला था। तो ये भी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दिलीप कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 ये कर रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल क्वांटिटी इन स्केलर क्वांटिटी। देखो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी होता है। तो देखो वेट, वेट का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, यानी ये भी नहीं हो सकता। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स भी आपको क्या है, आपको वेक्टर क्वांटिटी है। यंग्स मॉडुलस, देखो यंग्स मॉडुलस वाई क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है आपको स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और ये दोनों को डिवाइड करोगे तो ये होता है यूनिटलेस, यानी ये जो ऐसी क्वांटिटी है जो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन नंबर 3। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको पता है एक्सेलरेशन होता क्या, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यानी कि एक यही चीज था यंग मॉडुलस जो क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव होता है। ऑलरेडी आपको पता है कि सबसे बड़ी चीज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में कौन सा होता है आपको, पारा, पारा जिसको बोलते हैं मरकरी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मरकरी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और दूसरी चीज आपको ये बता दूं कि थर्मामीटर, थर्मामीटर में अभी आपको किसका यूज किया जाता है, यही पारा, मरकरी का यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, रीजन, क्यों रीजन पारा ही यूज किया जाता है, वाटर क्यों नहीं यूज करता है, रीजन ये है कि ये क्या है, लो वाटर वेपर इसका बनता है, और दूसरी बात थोड़ी हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको माइंड में याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47, तो 47 क्या कर रहा है, कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है, यानी कि हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म ए प्रधानमंत्री कैन सर्व, कितनी भी बार, ये इसमें कोई लिमिट नहीं है इंडिया में, आप क्या नो लिमिट है, आप आसानी से बन सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया। और इसको ठीक है अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, तो आपको करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, बस ये इतना ये चीजें याद रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कर रहा है, इफ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी देन दिस प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन, आपको 1 मंथ के अंदर। मैं इसमें दो चीजें बताता हूं, जैसे देखो तीन आर्टिकल्स, तीन पूछे जाते हैं हमेशा, 352, 356 एंड 360। एक होता है आपको नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड होता है आपको स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। तो देखो, और एक होता है आपको फॉरेनर इमरजेंसी। तो देखो आपको तीनों इमरजेंसी में मैं बता दूं कि जो नेशनल इमरजेंसी होती है ये 1 मंथ, 1 मंथ, और स्टेट इमरजेंसी होती है वो 6 मंथ, ठीक है। तो ये चीजें, दोनों चीज याद रखनी है, कभी ये आपको पूछा जाता है, कभी ये पूछा जाता है, कभी ये पूछा जाता है। तो आप बात आती है राष्ट्रपति के उद्घोषण में, इस उद्घोषण के सांसद द्वारा कितने के अंदर देना जरूरी होता है समर्थन, तो अगर हम बात कर रहे हैं ये वाला, तो 1 मंथ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है।
दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विथ, देखो दीपिका कुमारी जो थी, ठीक है, दीपिका कुमारी एक प्लेयर है, ठीक है, और ये प्लेयर किसकी हैं आपको, तीरंदाजी का, तीरंदाजी जो हम करते हैं ना ऐसे लगा के तीरंदाजी, हम तीर लगाते हैं, तो ये उनके लिए इनको ये चीज़ से संबंधित हैं, तो तीरंदाजी जिसको बोलते हैं एनआरसी तीरंदाजी, ठीक है। तो इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नेक्स्ट आपको फिर सारा कुछ पता होना चाहिए, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र आपको पता ही है कि चाणक्य ने लिखा है, तो इसमें कोई चीज़ चेंजिंग करने ही वाली थी। इस तरह से आपका सेट, मैंने सेट पूरा का पूरा सेट कंप्लीट करा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप भी चाहते हैं कि 35 डेज प्रोग्राम में शामिल होना, तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर है मेरा 3750493, अगेन मैं लिख देता हूँ, 7837500493, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, और यही मेरा है आपको पेटीएम नंबर। आप यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये दे के आप 72 सेट की आपको डेली 2 सेट PDF कराया जाएगा विथ वीडियो सॉल्यूशन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप पेटीएम के थ्रू आप पे आउट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।